जुड़ के कैसा लग रहा है आपको दंगल के परिवार के साथ जुड़ के आपको कैसा लग रहा है मैम? आपको दंगल परिवार के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? दंगल परिवार के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन बोलने वाली हूँ। हाल ही में मैं एक एक्ट्रेस से मिली, नाम नहीं बता सकती, बहुत ही बड़ी अभिनेत्री है और एक पार्टी थी तो हम टॉकिंग हम बात कर रहे थे और उन्होंने बोला अरे अभी अनुपमा की बात क्या है, अभी अनुपमा तो ऑब्वियसली सब जानते हैं वर्ल्ड फेमस शो है। तो उन्होंने बोला अनुपमा की बात क्या, तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि मैं दंगल का शो, दंगल तो कोई स्टार के बताते, तो जब हमारा शो नंबर वन आएगा और जो होगा हम बात करेंगे। टीआरपी में तो दंगल टॉप पे, पूरा गाँव घर में देखते हैं स्टार से ज़्यादा तो दंगल। यस बोले बोले दंगल के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टाइम हो रहा है आपका प्रीमियर के होने का। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो ऑफकोर्स आपको जो फैंस है आपको बहुत सारे प्यार देता है और इस शो के भी गुड़िया रानी में जो आप काफ़ी दिनों बैक इससे पहले भी एक शो किए थे आपने, वो शो भी भले ही चैनल मतलब जो भी हो स्टार्टिंग में लेकिन आपके कामों को देखने के लिए लोग देखते थे। अब ये कम बैक कर रहे हैं फिर से गुड़िया रानी में, क्या करेक्टर है और कितना याद ताजे आपको हो रहा है, पुराने यादें जो एफ आर आई हो चाहे कोई भी शो आपने किए, जितने सारे प्यार मिला आपके शो को भी इतने प्यार मिले लग रहे हैं आपको? डेफिनेटली। जिस दिन मेरे पास पहली बार कॉल आया था, लास्ट मंथ की बात कर रही हूँ मैं, आशू हमारा बहुत ही प्यारा मित्र है, बहुत ही सेंसिटिव एंड क्रिएटिव माइंड के साथ वो कास्टिंग करता है। तो जिस दिन मेरे पास पहली बार एक गुड़िया रानी आया था और जिस तरीके से उसने मुझे वन लाइन ब्रीफ किया था, आई वाज लाइक क्या यार ये सुनने में ही अलग लग रहा है। जो आज की तारीख में डेली शो चलते हैं या चलते आ रहे हैं, जो अगर आप सुनने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आपको करने में कितना मज़ा आएगा। ये मेरा पहला बहुत मतलब वेरी फर्स्ट आपके दिमाग में जो थॉट आता है या बीट होता है ना कि मैजिक सा कुछ आ रहा है वैसा सा कुछ था। उसके बाद हम आ गए, थोड़ा प्रॉब्लम है, कंटिन्यू करें। ओके, तो अभी आप जान रहे हो लास्ट 15 ईयर्स की जर्नी में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत